आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा नया लिंक एक्सप्रेसवे, जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे कुंभ मेला से पहले पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक्सप्रेसवे की समीक्षा करते हुए प्रदेश में दो नए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें से शुक्रवार को विशेष बैठक में मुख्यमंत्री और फारुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दे दिया गया है, जो कि गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में नई पहचान मिलेगी। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद गंगा एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बेहतर बनाने के लिए लगभग बहुत तेजी से कार्य किया गया था और उसे बेहतर से बेहतर एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जो कि वर्तमान में इस समय बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूर्ण रूप से चालू हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे की जरूरत है। इसी एक परियोजना से भी एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ सके। इस परियोजना के तहत आपस में एक एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे को जोड़ा जा सके। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बजट जारी हो चुका है। प्रारंभिक अध्ययन के अनुसार 4 लाइन होगा, जो कि भविष्य में इस एक्सप्रेसवे को 6 लाइन भी किया जा सकता है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे लगभग 14 किलोमीटर का होगा। इसके लिए विकासकर्ता का चयन जल्द करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर, जो कि सर्विस रोड की तरफ जो है, औद्योगिक क्लस्टर के रूप में विकास की प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा गया है। और गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे जो है, लगभग सर्विस रोड की तरफ लगभग जो है 11 है, जिसमें से बुंदेलखंड में 6 है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 5 बनाया जाएगा, और उसमें से बांदल एक्सप्रेस में 6 बनाया जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे 2 औद्योगिक गलियारों का विकास किया जाएगा, जिससे कि गांव का और हमारा जो यूपी है वो विकास की ओर जो है चलता चला जाएगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा विकास भी हो जाएगा तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा दोस्तों। तो इससे कई ऐसे फायदा भी होंगे और विकास की जरिया एक न्यू तकनीकी लाई जा रही है, जो कि तेज़ी से विकास हो सके हमारे यूपी की और हमारे इंडिया का भी। तो जैसे कि दोस्तों इस एक्सप्रेसवे को लगभग तेज़ी से बनाया गया है। और बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की, जैसे कि मेरठ से परिया को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे हाल ही में दिसंबर 2024 तक आम जनता के लिए खोलने का निर्देश दिया गया है, ताकि प्रयागराज कुंभ 2025 में दुनिया भर के श्रद्धालुओं, जैसे विदेश से भी आएंगे तो सभी लोग के लिए सुविधा इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से आने जाने के लिए बेहतर सुविधा प्रदान किया जा सके एक्सप्रेसवे के माध्यम से। इसीलिए गंगा एक्सप्रेसवे को यात्रा का लाभ उठा सके, जो कि गंगा एक्सप्रेसवे के सभी यात्री जो हैं वो सभी यात्रा का सुविधा उठा सकें, और इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा दोस्तों। और बात करते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा गया है कि गोरखपुर और संत कबीर नगर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर के लिए यह शानदार कनेक्टिविटी के माध्यम से बनेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के अंतर्गत घाघरा नदी पर महत्वपूर्ण पुल बनाया